हेलो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लफ्ज़ ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ चंगिन मेंशन में सिमसा सुई और मेरे पीछे जो है पूरी जो है चंगिन मेंशन बिल्डिंग है। तो अभी आई स्क्वायर जो है मेरे पीछे ही है। तो अभी जो है निकलते हैं यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए, नाश्ता वगैरह करके जो है अभी सो के उठे, थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होने के बाद सोचा कि अब जो है इस सिटी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर जो है वो किया जाए। तो देखते हैं भाई यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या चीज़ है। बाकी पीछे का व्यू जो है वो एकदम अमेजिंग है। गाइस यहाँ भी घूम रहे हैं यहाँ की गलियों में, और गलियाँ भी जो है ना यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और वही कार वगैरह जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लग्जरी वगैरह आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। और जो बात की जाए अगर बसों की, भाई ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत बढ़िया है। भाई बसें यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और है भी थोड़ी मतलब सस्ती अगर देखा जाए मेट्रो से और टैक्सी से। सबसे ज़्यादा सस्ता जो है ना वो वही बस ही है, क्योंकि मेट्रो में और आपकी टैक्सी में बहुत ज़्यादा हॉन्ग डॉलर लगेगा आपका। तो आप जो है ना ज़्यादा कोशिश ये करें कि यहाँ पर जो है ना लोकल बसेज जो है वो ज़्यादा कोशिश करें यहाँ को, यहाँ पर आने के बाद इस एरिया को कवर करने के लिए। और बाकी यहाँ पे जो है भाई आपको वर्ड्स जो है पिजियन वगैरह भी मिल जाएंगे देखने को। तो भाई यहाँ पे जो है ना सिग्नल बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। बिना सिग्नल की अगर आप जो है रोड वगैरह क्रॉस करोगे तो वो आपको जो है ना प्रॉब्लम वगैरह भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सिग्नल फॉलो नहीं करता हो। भाई बस देखो इस तरह की जो है यहाँ पर बसेस चलती हैं, डबल डेकर होती हैं। सिग्नल तो जो है आपको कंपलसरी यहाँ पर फॉलो करना है। और भाई कार तो जो है यहाँ पर एक से एक लग्जरी कार मिल जाएगी आपको देखने। तो कल भी जो है मैं इसी जगह पर आया था, घूमा था रात के टाइम पर आया था। और बाकी अभी भी जो है दोबारा से हम जो है फिर से इसी जगह पे आ गए। भाई ये जगह जो है ना थोड़ी सी मुझे बेहतर लगी, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल है यहाँ पे और अमेजिंग ही है। भाई क्या ही कहना है, एक बार जो है ना आप आओ यहाँ पे और विज़िट करो हांगकांग को। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन आप अपना 4 से 5 दिन का बजट बना के आओ और भाई देखो यहाँ का नज़ारा। तो ये एक हेरिटेज है जिस 1881 में जिसका जो है मतलब निर्माण वगैरह हुआ है। वही काफ़ी पुराना है लेकिन इसकी जो खूबसूरती और जो ब्यूटी है ना वो अभी भी काफ़ी बरकरार है। और एक तो फाउंटेन है वो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई, और पानी एकदम नीट एंड क्लीन है भाई, बहुत खूबसूरत है। और ये ना सिमसा सुई में है भाई, जब आप चंगिन रंजन में आओगे सिमसा सुई तो वहीं पर है, बिल्कुल नज़दीक, सिर्फ 2 मिनट के बाद स्ट्रीट पे ही। तो काफ़ी जो है फोटो सेशन के बाद हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं भाई। और मेरा विकास भाई जो है मेरा काफ़ी साथ दे रहा है भाई, काफ़ी जो है फ़ोटो वगैरह मेरा जो है खींच के दे रहा है। और दोनों जो है भाई हम थाईलैंड में भी साथ में थे, वियतनाम में भी साथ में हैं, और यहाँ पर रहेंगे हमें, और भाई यहाँ पर भी साथ में हैं। और आगे का प्लान ये है कि भाई अगर हम चाइना या मकाओ वगैरह भी जाएंगे तो भी हम जो है वो साथ में ही रहेंगे भाई। एक बार जो है वो पीछे की ब्यूटी देख लो भाई, पीछे की ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और भाई मैं यहाँ पे दिखा दूँ, सिग्नल जो है ना बहुत जल्दी फॉलो करना होता है। और भाई रॉयल्स रॉयल दिखाना वो देखो भाई, अमेजिंग गाड़ी इसको कहते हैं भाई गाड़ी। और भाई बसें होती हैं इस तरह की देख लो, ये यहाँ का जो है ना एक स्टेशन है। यहाँ पे जो है आपको अगर आपको कहीं पे भी जाना हो यहाँ से एयरपोर्ट वगैरह या दूसरे सिटी वगैरह जाना होगा तो आप जो है ना यहीं पर आइए सिमसा सुई के बस स्टैंड के पास। और एक यहाँ पे जो है ना समुंदर वगैरह भी जो है बिल्कुल नज़दीक में है, बस स्टैंड है, काफ़ी सारी बसें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हर नंबर की बस जो है यहाँ से निकलती है।
भाई यहाँ पे जो है ना आपको फेरी वगैरह भी मिल जाएंगी, इसका नाम है स्टार फेरी हरवर वाटर टूर। यहाँ पे मतलब एक वाटर टूर होता है, एक यहाँ पे आपको फेरी जो है ना वो कम प्राइस में मिल जाएंगी। और जो होता है ना ये सारे लोग आपस में, तो यहाँ से आप जो है शेयरिंग फेरी भी ले सकते हैं और पर्सनल फेरिंग भी जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ का जो नाम है वो है स्टार फेरी हरवर वाटर टूर। यहाँ से जो है ना वाटर टूर वगैरह भी होता है। तो पीछे का जो व्यू है भाई वो और भी ज़्यादा गजब है, और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है यहाँ का। तो जितना उससे जो है वो हो सकेगा वो सारी की सारी खूबसूरती जो है मैं अपने कैमरे में कैप्चर करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन जो ये वाला व्यू है ना भाई अमेजिंग है यार। उस साइड में जो है वो भी हांगकांग ही है, लेकिन बीच में जो है आपको एक ही बीच छोटा सा मतलब समुंदर वगैरह पड़ जाता है। तो उस साइड में जाने के लिए फेरी वगैरह से जो है वो जाना पड़ता है दूसरी साइड में। तो ये जो है मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ से ये फेरी लगती है, शेयरिंग फेरी होती है। इसका प्राइस वगैरह भी जो है हम मालूम करेंगे कि प्राइस क्या है इसका। तो गाइस अभी हम थे सिमसा सुई वाली साइड में और अभी हम जाएंगे वो दूसरी वाली साइड जो है आप देख रहे हैं उस वाले जो है साइड में जाएंगे वाया फेरी। तो देखते हैं कि भाई फेरी वगैरह का जो है वो क्या सीन है और कितने डॉलर में जो है आप इस साइड से उस साइड में जो है वाया फेरी जा सकते हो। तो चलते हैं भाई टर्मिनल के अंदर और लेते हैं यहाँ का टिकट वगैरह। भाई टिकट का प्राइस क्या है वो मैं आपको अभी जो है बताऊँगा।